नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सपने में सांप दिखे तो क्या होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सपना कुछ कहता है। जी हाँ, नींद में आने वाले हर सपने को कोई न कोई मतलब जरूर होता है। अक्सर लोग सपने में कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे देखकर डर से नींद खुल जाती है, जिसके बाद मन में यही ख्याल आता है कि देखी गई वह चीज शुभ है या अशुभ। कई बार लोगों को सपने में सांप नजर आता है और इसका भी एक विशेष मतलब होता है। यहाँ हम आपको बताएंगे सपने में सांप दिखना शुभ है अशुभ। अगर आपको सपने में सुनहरा या सफेद रंग का सांप नजर आता है तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसका संकेत है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। वहीं सपने में सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे कि यह पितृदोष हो सकता है, यानी आपके पितृ किसी चीज से नाराज है और आपको उनकी पूजा करने की जरूरत है। यदि आपको सपने में एक साथ बहुत सारे सांप नजर आए तो यह एक अशुभ संकेत है। यह भविष्य में आने वाली परेशानियों की ओर संकेत देता है। अगर सपने में सांप आपका पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप किसी बात से बहुत डरे हुए हैं। सपने में यदि आपको सांप ने डस लिया है तो यह किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देने का मतलब है कि आप राहु दोष से उत्पन्न हो रहे कष्ट झेल रहे हैं। सपने में सांप के दांत दिखना भी एक अशुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में किसी से बड़ा धोखा मिल सकता है। यदि सपने में सांप आपको कहीं जाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि पितृ आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।